गाइस, जब मैं यहाँ पे शूट कर रही थी ना, तब रेलवे का कोई स्टाफ और कोई पैसेंजर एक पुलिस वाले को शायद मेरे बारे में कंप्लेन कर रहा था, और मुझे इतना डर लग रहा था कि मुझे लग रहा था यार अब भी मुझे ट्रेन से निकाल देंगे। इस वाली ट्रेन पे तो टीवी भी है यार। मेरे सामने से एक पुलिस वाला गया गाइस, पता नहीं वो क्या ही देर सोचेंगे। भैया मेरा मेकअप अच्छा हुआ है। अब ये कौन है बे? So guys, मैं आ चुकी हूँ ट्रेन के सामने। ये देखो मेरा ट्रेन, और ट्रेन मिस होने वाला है ही नहीं, क्योंकि अभी मैं जाऊंगी और ट्रेन में चढ़ जाऊंगी और जाके करूंगी धमाल। तो चलो, आ गया हमारा वंदे भारत ट्रेन। ये ट्रेन ना बिल्कुल सेलिब्रिटी ट्रेन है, मतलब आपको यहाँ पे लोग दिखेंगे जो ट्रेन के साथ सेल्फी लेते हैं। मार साले का खोपड़ी तोड़। आपने लोगों को रूम टूर देते हुए तो देखा होगा, बट आज मैं देने वाली हूँ ट्रेन टूर। सो ये रहा ट्रेन का इंटीरियर गाइज, तो ये रहा मेरे ट्रेन का दरवाजा। आप देखो यार, ये रोबोटिक एआई वाला टेक्नोलॉजी है, इसको यहाँ से हमें प्रेस करना है, दरवाजा खुल जाता है। वाओ, क्या चल गया रहा है ये। सो गाइस, ये रहा ट्रेन की सीट, एंड देख ही सकते हो, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप एयरपोर्ट की सीट्स देख रहे हो, एयरपोर्ट फ्लाइट की सीट्स देख रहे हो, कुछ भी बोलती हूँ मैं। एंड इसको ना आप ऐसा भी कर सकते हो, नहीं हो रहा, इनको पता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है, नहीं हो रहा है। पास वाला में जाओ। ये वाला हो रहा है, ये नहीं हो रहा, मेरा ट्रेन का सीट खराब है गाइस। तो यहाँ मैं बैठ गई रानियों की तरह, बिल्कुल रिक्लाइनर सीट पे गाइस। एंड ये रहा मेरा टेबल, जिसको मैं सामने भी कर सकती हूँ, जो थोड़ा खींचने से सामने आता है गाइस, ऐसे ही सामने आता नहीं है। और ये रहा आपका लॉकर, आप आपका कीमती सामान यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे गाइस आप देखो, ये देखो, ये तो रुक ही नहीं रहा, बट आप यहाँ पे ऐसे पैर रख सकते हो आपका। यहाँ पे मुझे पता नहीं गाइस मैं कहाँ क्या रखूँ, यहाँ पे फोन नहीं रख रही हूँ वैसे, यार मुझे यहाँ पे फोन नहीं रखना है यार, मेरे फोन में मेरे क्रश का नंबर है। तो यार ये रहा मेरा ट्रेन का टूर, और ये रहा मेरी ट्रेन की लग्जूरियस विंडो गाइस, और मेरी ट्रेन में एसी भी है। और ऊपर देखो, यहाँ पे आप लगेज भी रख सकते हो, या फिर अगर आप चाहो दिखाओ वो वाला जगह बिल्कुल खाली है, आप खुद भी उठ के बैठ सकते हो इसके ऊपर। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। गाइस, इस वाली ट्रेन पे तो टीवी भी है यार। ओह माय गॉड, यहाँ पे सिर्फ मोदी जी दिखते हैं, बट कोई बात नहीं, टीवी होता है। तो यहाँ पे एक नहीं, दो टीवी है, देखो। चाहो तो नेटफ्लिक्स चला दे। नेटफ्लिक्स क्यों यार, मैं तो सोच रही हूँ कि मेरा ही वीडियो चला देते हैं, सबको मजा आएगा, पूरा कमरा खाली हो जाएगा, पूरा हम लोगों का। ओ भाई, मारो मुझे मारो। ये देखो यार, मेरे पास जो दो लड़के बैठे हैं बिल्कुल कोरियन लग रही है। पूरा कचरा से मुक्त और साफ कचरा हमारी सहायता करें। मुझे कचरा बोल रहे गाइस, अभी मैं कचरा जैसी लग नहीं रही हूँ, बट थोड़ी देर बाद मैं कचरा जैसी लग भी सकती हूँ। पूरा कचरा से मुक्त और साफ कचरा हमारी सहायता करें। मुझे कचरा बोल रहे गाइस, क्योंकि आज मैं ट्रेन में मिरर लाना भूल गई, और मुझे ट्रेन में बैठ के ही मेकअप करना है। मगर क्यों? तो सबसे पहले मैं सोई नहीं हूँ रात भर, मेरी आंखों की थकान को दूर करने के लिए मैं लगाने वाली हूँ आई मास्क। पता नहीं ये आई में लगेगा या कहीं और लग जाएगा। यार ये जो काला काला आई मास्क है ना, ये लगा के मैं बिल्कुल लग रही हूँ पांडा जैसी। वो लड़की तो मेरी तरफ एक बार देख के भी घूम गई कि यार इसी मनहूस शक्ल को सुबह सुबह देखना पड़ेगा। और ये देखो, मेरे सामने से एक पुलिस वाला गया गाइस, अगर वो मुझे ऐसी हालत में देख लेता ना, तो पक्का मुझे ट्रेन से बाहर फेंक देता। बच गए। थैंक गॉड मैं बच गई। तो चलो अभी इसको निकाल लेती हूँ। एंड अभी मैंने निकाल लिया है मेरा मेकअप का पिटारा, जिसमें से मैजिक होगा अभी, पता नहीं कैसा मैजिक, क्योंकि मैं मिरर तो यूज नहीं कर पाऊंगी। तो सबसे पहले गाइस मैं लगाऊंगी व्हाइट कलर की थोड़ी सी सनस्क्रीन, क्योंकि यार मैं इतनी सुंदर हूँ कि सूरज भी मुझे देख के कभी कभी फिदा हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ, ताकि मुझे अगर सन किस करे, मैं अगर सन किस्ड हो जाऊँ तब भी मैं जल ना जाऊँ। गाइस देखो मैंने लगा लिया, थोड़ा सा हवा हवाई कर दूंगी गाइस, क्योंकि सूरज ही मैंने ऐसी बाई कहते हैं मुझको।
हवा हवा आई और यहाँ पे मैं सनस्क्रीन ला रही हूँ। पीछे से आ गए भैया जो हम लोगों को पानी दे रहे हैं और मैंने फाउंडेशन भी लगाना चालू कर दिया था। यार यहाँ पे मुझे डर लग रहा है मैं फाउंडेशन लगाऊँ या ना लगाऊँ। और अच्छा तो भैया ने हमको दे दिया है वाटर गाइस पानी, तो मैंने बोल दिया थैंक यू भैया हंस हंस के। भैया ने बिल्कुल मुझे नहीं रोका कि यार आप अभी यहाँ पे मेकअप मत करो, वैसे मैं तो डर रही थी गाइस। तो ये जो क्रीम वाला फाउंडेशन है उसका मैंने ब्लेंड 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 कर लिया बातें करते हुए। वैसे मेरे पास मिरर नहीं है गाइस, थोड़ा दिक्कत तो होता है क्योंकि मुझे नहीं पता कि फाउंडेशन ब्लेंड हुआ है नहीं हुआ है, पता नहीं गाइस। तो मैं फिर से लगाऊंगी लिक्विड फाउंडेशन। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा फेस में अगर लगा रही हूँ ना कितना क्वांटिटी में मैंने डाल दिया, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था गाइस। इसलिए मैंने सोचा कि हाथों में लेके अच्छे से क्रीम की तरह मालिश कर लेती हूँ। और यहाँ पे मेरे पीछे से देखो एक सूटेड बूटेड आदमी गया, पता नहीं शायद ट्रेन का ही कोई होगा। काफी हैंडसम था पर मुझे देखा ही नहीं यार, मुझे कोई देखता ही नहीं है। अभी मेरे फाउंडेशन ब्लेंड करने में बिजी हूँ। मैं मेरे आस पास वालों को पूछ रही हूँ कि यार मेरा फाउंडेशन ब्लेंड हो रहा है, देखो देखो देखो, पर वो लोग कुछ बोल ही नहीं रहे गाइस, कुछ भी नहीं बोलते। अभी मैंने खोल लिया है मेरा पाउडर। ओ माय गॉड, ट्रेन में जितने भी लोग हैं ना उन सारे लोगों के फेस में थोड़ा थोड़ा पाउडर लग जाए मेरे तरह, उनको भी मैं थोड़ा मेकअप करवाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने फूंक मारा और अभी मैं अच्छे से पाउडर को भी ब्लेंड कर रही हूँ गाइस। देखो यार कितना मैं ध्यान से कर रही हूँ, तभी मुझे लग रहा था मैं कितना गंदा मेकअप कर रही हूँ, बट अभी देखो थोड़ा थोड़ा अच्छा हो रहा था गाइस। इतना मेकअप मत करो आवाम डर जाएगी। मुझे नहीं पता मैं कैसे ब्लश लगाऊं बिना मिरर के। ओ माय गॉड, मेरे पीछे एक बुढ़ा अंकल भी है, पता नहीं वो क्या ही दे सोचेंगे मुझको देख के। नो आइडिया, गेट आइडिया। यार तुम लोग तो कैमरा में देख ही सकते हो ना, तो देख के थोड़ा बोलो ना सही हुआ है। एकदम मस्त बंदरिया। क्या बंदरिया, ये लोग तो हमेशा मजाक करते रहते हैं। नहीं अच्छा ही हुआ होगा, मैं अच्छे से ब्लेंड कर देती हूँ। अच्छा हुआ है, इसको अच्छा होना बोलता है। ऐसे टमाटर जैसे बना लिया मैंने गालों को। यार वॉर्स मेकअप वाली दीदी अभी ऐसे मेकअप नहीं करती जैसे मैंने कर लिया। वही सेम पिंक कलर को मैं लगा रही हूँ मेरी आँखों में। गाय टमाटर आम टमाटर और क्या क्या करेगी। तो आई शैडो मैं कैसे भी लगाऊँ वो चलेगा, क्योंकि आई शैडो अगर थोड़ा कम भी होगा तो वो भी नेचुरल लुक है, और आई शैडो अगर थोड़ा ज्यादा भी होगा तो वो भी यार ब्राइडल लुक है ना। कई शायद अभी आप सोच रहे हो कि मैं दुल्हन की तरह लग नहीं रही हूँ इन साड़ी में, बट थोड़ी देर बाद मैं लगूंगी, आई प्रॉमिस यू। ओके, बट आईब्राउ करने में बहुत ज्यादा डर लग रहा है गाइस। आईब्राउ किधर है मेरा, आईब्राउ किधर है यार, मैं कैसे करूँ आईब्राउ, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा। ट्रस्ट मी, मैं जब हाथ से ऐसे आईब्राउ को टच कर रही हूँ ना, सिर्फ मुझे तभी पता लग रहा है कि आईब्राउ मेरा है किधर। गाइस आप भी यार घर पे ट्राई करो, नो मिरर मेकअप चैलेंज करो और मुझे कमेंट में बताओ कि आपने अच्छे से किया सही से किया या फिर आपका भी मेरे ही तरह हालत है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अभी क्या करूँ मैं, एक काम करती हूँ गाइस, मैं हाइलाइटर लगाती हूँ क्योंकि हाइलाइटर से सारी चीजें अच्छी लगती हैं, पर इसमें मिरर है मैं इसको नहीं देख सकती, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही उठा लूंगी, थोड़ा थोड़ा लगा लूंगी, दिखता भी नहीं है मुझे कुछ। मिरर है बट मैं चीटिंग नहीं करूंगी गाइज, आप देखो अगर मैंने चीटिंग किया तो आप किसी भी पैसेंजर से पूछ लेना, मैंने नहीं किया चीटिंग। वैसे ही मुझे गाइज आंखों में कमी दिखता है, लेंस के अलावा मैं कुछ देख ही नहीं पाती हूँ, सब कुछ धुंधला धुंधला सा ऐसे 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 करती हूँ मैं, और आज तो मैंने लेंस लगाया ही नहीं। देखो कितने मनुष्य लग रहे हो, खौफनाक डकैत। गाइज आईलाइनर लगाने का बिल्कुल मन नहीं है, बट ब्राइडल मेकअप है तो लाइनर लगाना ही पड़ेगा। वैसे मैं मिरर में देख के भी अच्छा आईलाइनर लगा नहीं पाती हूँ, आईलाइनर लगाना पड़ रहा है। सोचो सोचो ट्रेन ऐसे ऐसे मूव हो रहा है। ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है। नहीं होगा यार, खराब हो गया ना मेरा खराब हो गया आईलाइनर, सच्ची बताओ। मैं कोशिश कर रही हूँ गाइज जितना भी हो सके मुझसे, आई स्वेयर मैं अच्छा करने का कोशिश करूंगी, बिना देखे मुझसे इससे अच्छा नहीं होगा। ये वाला थोड़ा खराब हो गया मेरा, खराब हो गया। नहीं अच्छा लग रहा है। ये वाला नहीं ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है, सिर्फ एक लाइन कर दो गाइस। मैंने कोशिश किया, इससे अच्छा आईलाइनर मैं अभी इस वक्त लगा ही नहीं सकती, ठीक है। मस्कारा कोई बात नहीं, मैं लगा लूंगी ऐसे भी बिना मिरर देखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं लोग मुझे पागल समझेंगे या क्या समझेंगे, मेकअप देखने के बाद मेरा मन कर रहा है मैं देख लूँ। अच्छा अभी क्या लगाना है मुझे, लिपस्टिक में लगा लूँगी, पता है। बिना मिरर का लिपस्टिक लगाना मेरे लिए कोई बात है क्या, क्या टास्क देते हैं यार ये लोग। लिपस्टिक सही लगाया ना मैंने, मेरे को पूरा भरोसा है मैंने लिपस्टिक सही लगाया। लिपस्टिक सही है, सही है लिपस्टिक।
अभी मैं पहनूंगी गाइस, अभी मैं लगूंगी प्योर वाली दुल्हन। दिल वाले दुल्हन यहाँ ले जाएंगे, बट यहाँ पे दिल वालों की कमी है। वैसे हो सकता है यहाँ पे कोई दिल वाला हो और वो दुल्हन यहाँ लेके जाए, तो मैं दुल्हन बन के तैयार तो रहूँ, फिर तो आएगा ना दिल वाला। के लिए। वैसे ये वाला गाना मैं जोर से भी गा सकती हूँ, पर मुझे शर्म आती है गाइस, शर्म। कोई सेंस है इस बात की? पता नहीं, मैं हेयर स्टाइल भी करूंगी गाइस। हेयर स्टाइल भी सही बन जाएगा, पता है, मतलब उतना गंदा नहीं बनेगा जितना गंदा बन सकता है। लेकिन भाई ये तो चुड़ैल लग रही है यार। चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? भैया मेरा मेकअप अच्छा हुआ है, सच्ची थैंक यू। एक्चुअली मैंने बिना मिरर के किया, बिना आईने का किया। मैं दिखाऊं क्या दिया है? दो डाइजेस्टिव बिस्किट दिए हैं और ये है टी किट, जिससे आप चाय बना के पी सकते हो। खाते जाओ खाते जाओ। शायद मेरा मेकअप अच्छा ही हुआ है गाइस, क्योंकि मतलब हर कोई मुझे बोल रहा है अच्छी लग रही हूँ। थोड़ी देर पहले मैनेजर है हमारे ट्रेन का जो, हमको बोला उन्होंने कि मैं अच्छी लग रही हूँ, मतलब मैं तो अच्छी लग ही रही हूँ। तो यहाँ पे भैया आ गए हैं फिर से हमें चाय पानी पूछने के लिए, तो हमने चाय ले लिया है। और भैया मुझे देख के बेहोश नहीं हुए, कैसे नहीं हुए मुझे नहीं पता गाइस। तो यहाँ पे मिल्क डाल रहे हैं मेरी चाय में। और अभी अरे यार ये तो टीटी साहब आ गए गाइस, मुझे डर लग गया। ये देखो मैं डर रही हूँ यार। मैं तो डर गई थी गाइस कि वो मुझे कुछ बोलेंगे, ये मत करो वो मत करो। तो मैंने कुछ बोला ही नहीं गाइस, इसलिए यहाँ पे मैं मजीद से मेरी चाय पी रही हूँ। कितना गंदा चाय है यार, मैंने इतना मजे से पिया था, इतना गंदा निकला क्या ही बताऊं, उल्टी आ गई मुझे छी। पर अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है, मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये जो दो दीदियाँ है ना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दोनों मेरे ही बारे में बात करते हुए हंस रहे हैं यार, मतलब क्या ही बताऊं मैं। इतनी गंदी लग रही हूँ क्या? पर मुझे नहीं लगता मैं इतनी गंदी लग रही हूँ गाइस। गाइस यार इस ट्रेन में एसी इतना ज्यादा तेज है ना कि मुझे बहुत जोर की ठंड लग रही है। थैंकफुली मैंने साड़ी पहना है। मैं तो थक गई भाई साहब। मैं तो सो रही थी, सपने देख रही थी, मुझे मुर्गे ने जगाया, बोला कुकड़ुकू कुकड़ुकू। दिया ही नहीं गाइस, हम लोग को खाना नहीं दिया। मैं इतनी गंदी लग रही हूँ कि हमको खाना भी नहीं देंगे अभी ये लोग। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। 2000 years later. तो यहाँ पे फिर से आ चुका है खाना। लौटी चाकू पाई, एक एप्पल ड्रिंक, दो दो ब्राउन ब्रेड्स, फ्रेंच फ्राइज, ओह माय गॉड। ब्रेड और बटर को मैंने जैम से खा गई मैं। और यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा जैम जैम तरह की दिख रही हूँ, क्योंकि मेरा गाल में भी टमाटर है, आंखों में भी टमाटर है यार, मैं खुद ही यहाँ पे टोमेटो जैम की तरह लग रही हूँ। यहाँ पे यार हमें अंडा भी मिला था, इसको भी मैं खा गई। चुड़ैल जैसा दिख भी रही हूँ, चुड़ैल जैसा काम भी कर रही हूँ, चुड़ैल जैसा मेकअप करके चुड़ैल जैसा खाना खा रही हूँ। और यहाँ पे देखो पीछे यार अंकल मुझे देख के डर गए कि ये चुड़ैल कहाँ से आ गई। ये भैया भी डर गए, देखो ये आंटी जी तो सोच रही है यार कि ये चुड़ैल कहाँ से आ गई ट्रेन में। अब ये कौन है बे? आगे भालू लग गए। मुंह तो बंद करो अंकल। मैं क्या नमस्ते अंकल जी पहचानिया? गाइस जब मैं यहाँ पे शूट कर रही थी ना, तब रेलवे का कोई स्टाफ और कोई पैसेंजर एक पुलिस वाले को शायद मेरे बारे में कंप्लेन कर रहा था, और मुझे इतना डर लग रहा था कि मुझे लग रहा था यार अब भी मुझे ट्रेन से निकाल देंगे। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है? अंकल अच्छी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हूँ? 10 में से कितना दोगे आप? मैंने बिना मिरर देखे मेकअप किया, मिरर देखा ही नहीं। अच्छा कितना दोगे आप, 10 में कितना दोगे मुझे? अंकल जी मुझे 10 में 9 नहीं देंगे गाइस। तो अभी फाइनली मैं ट्रेन से नीचे उतर चुकी हूँ गाइस। अब तक तो ट्रेन वाले ही मुझे देख रहे थे, अभी तो पूरे प्लेटफॉर्म में जितने भी लोग हैं मुझे देख के यार डर जाएंगे, पता नहीं इतनी बड़ी चुड़ैल लग रही हूँ मैं। ट्रेन की यात्रियों को
करती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी देर से झेला था यार। गाइस यार इतनी गंदी लग रही हूँ मैं कि मुझे ट्रेन से उतरने के बाद ही जब मैंने मिरर देखा ना, मेकअप रिमूव करना पड़ रहा है सोचो। छी, ऐसे मैं इतना दूर आ गई और हर कोई बोल रहा था अच्छा लग रहा है। झूठ बोले कौवा काटे। सो गाइस देख ही सकते हो मैंने मेकअप ऑलरेडी रिमूव कर दिया है क्योंकि यार लोगों का रिएक्शन तो पता नहीं, जब मैंने मिरर देखा मैं भूल गई आपको मेरा रिएक्शन दिखाना, बट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मैंने मेकअप जब किया था तब ज्यादा अच्छी लग रही थी या फिर बिना मेकअप की ज्यादा अच्छी लग रही हो अभी। तो यार आज का